Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are fine and doing well. सो uh, so आपने प्रीवियस वीडियो देख ही लिया होगा जहां पर हमने कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन किया था और एक बेसिक सम सीखा था कि कैश फ्लो के स्टार्टिंग कैसे होती है ओके सो मूविंग दिस इज अ सेकंड लेक्चर फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है अब कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरुआत कहाँ से होगी जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे पास तीन एक्टिविटीज होती है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आई होप इट इज क्लियर टू यू अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो को देख लें आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यू स्टार्टिंग और लर्निंग दिस चैप्टर ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हमें स्टार्ट करना है हमारा जो स्टार्टिंग होती है कैश फ्लो की वो हमेशा हमें क्या चाहिए होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है अब उसके लिए हमने ये सम्स लिए हैं दैट इज़ सम नंबर टेन जो मैंने लिया है टी एस ग्रेवाल से अगेन आई एम सिंग इट इज़ फ्रॉम टी एस ग्रेवाल लेटेस्ट uh, एडिशन अगर आपको चाहिए तो आप आ, इसको देखकर कोई और भी पब्लिकेशन से मैंने लास्ट वीडियो में बताया कहीं पर भी कोई भी पब्लिकेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे आप इजीली कर सकते हैं सो लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर इट फ्रॉम द फॉलोइंग विद्रॉमेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब देखो हमारे पास तीन एक्टिविटीज है जिसमें से फर्स्ट एक्टिविटी हम कर रहे हैं दैट इज ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है हम अभी तक जो सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही एक ऐसी एक्टिविटी है जो थोड़ी सी लेंदी है ये आपका ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ द सम होता है बाकी की दो एक्टिविटीज हैं इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट बट मेजरली जो चीजें सीखनी है वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सीखनी है है ठीक अब आपको इसमें शुरुआत जो करनी होती है वो हमेशा करनी होती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो so सी आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑलरेडी दे रख सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ऑलरेडी दे रखा और आपको फाइंड क्या करना है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये हम थोड़ा सा बाद में सीखेंगे पहले तो हम ये फर्स्ट स्टेप सीख ले कि हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल ठीक है तब उसमें कुछ चीजें एडलाइस होंगी लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि आपको ये कैसे फाइंड करना है इस समय तो ऑलरेडी हमें ये दे रखा है ठीक है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम इज गिवन टू तो अस कई बार अगर ये नहीं दे रखा होगा ये कैसे फाइंड करेंगे ये प्रीवियस वीडियो में हमने सम्स किए हैं यू कैन चेक इट आउट और अगर और भी हम इन डिटेल्स में जब इन सम्स को जाएंगे तो एक साथ पूरा कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे सीखेंगे सो यहाँ आपको ऑलरेडी दे रखा है सो लेटस स्टार्ट हम शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैप सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम्स टू अस एस फोर लैख ठीक है आपको दे रखा है फोर लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड तो फोर लैख फोर्टी सेवन आपको फाइनल कॉलम में लिख देना है अब इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी और कुछ चीजें लेस होंगी क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा देखो आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या मैम आप बोलते तो रहे हो कि मैं फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बताओ तो सही ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ठीक है so, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए जैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस सैलरी वेजेस ये सब कुछ जो है वो इंक्लूड करता हुआ प्रॉफिट चाहिए जबकि हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लास्ट वीडियो में पूछा था अगर आप नहीं आता प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एल एक्सप्लेन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है ठीक है मतलब इन शॉर्ट इसमें सारे ही एक्सपेंसेस और इनकम इंक्लूडेड होते हैं बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस एंड इनकम होते हैं या तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग होते हैं या तो हमारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं नॉन ऑपरेटिंग फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हर साल थोड़ी ना होने वाला है आपको ठीक है तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस एड बैक हो जाते हैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिससे आपका पैसा नहीं जाता आपने पी एन एल में उसको एज एक्सपेंस दिखाया है आप जब पी एन एल बना रहे हो तब आपने डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन को ठीक है अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सेम है डेप्रिसिएशन लगता है एसेट्स पे और ये जो लगता है वो किस पे लगता है इनटेंजेबल एसेट्स पे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर गुडविल डिक्रीज हो रही है तो वो अमोर्टाइज होती है पेटेंट्स Pat डिक्रीज हो रहे हैं वो अमोर्टाइज होते हैं प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज होती है वो डेप्रिसिएट होते हैं ओके okay? तो इन सबसे आपके पी डिक्रीज तो होता है मतलब आपका एक्सपेंस तो आता है आपका प्रॉफिट तो डिक्रीज होता है लेकिन उससे कैश कहीं नहीं जाता है वो ऐसा एक्सपेंस है जो आप दिखाते तो लेकिन में वो पैसा फॉर्म के पास ही होता है मतलब इसीलिए वो ऐसे एक्सपेंसेस है जिससे कैश नहीं जाता है इसीलिए वो वापस एड बैक हो जाते हैं ठीक है तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे एडबैक हो जाएंगे और कुछ ऐसे इनकम्स हैं जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या नॉन कैश इनकम्स हैं वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे ऐसी इनकम्स जो रोज़मर्रा के बिजनेस में नहीं होती हर साल आपको नहीं होने वाली ऐसी इनकम्स को क्या करना है आपको लेस करना है ये एड लेस करने पर आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है तो अब हम सम का शुरुआत करते हैं एडजस्टमेंट्स तो है नहीं तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं देखो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दे रखा है आपको एट्टी फोर थाउजेंड का तो डेप्रिसिएशन से आपका पैसा नहीं जाता है ठीक है इसलिए मैं प्रॉफिट में एडबैक करूंगी कि मेरा पैसा कहीं नहीं गया मेरे पास ऑलरेडी है ओके सो बैक डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ बट प्लीज आप बोर्ड एग्जाम में तो कोई शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करेंगे वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे देन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ठीक है अब देखो इंटरेस्ट ऑन बोरइंग्स आपने पे तो किया होगा बट ये आपका ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है आपका फाइनेंशियल खर्चा है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं होता है इसीलिए प्रॉफिट में वापस बैक हो जाता है ये सब्रैक्ट होगा लेकिन कहाँ होगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज दैट विल डू इट लेटर बट यहाँ पर हम बैक कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरइंग इंटरेस्ट ऑन बोरइंग गुडविल अमोटाइज एटीन सिक्स हंड्रेड की गुडविल अमोर्टाइज हुई है मतलब आपकी गुडविल डिक्रीज हुई है बट इससे भी आपका पैसा तो गया नहीं होगा आपने एक्सपेंस तो दिखा दिया लेकिन इससे आपका पैसा गया नहीं है ठीक है तो गुडविल अमोटाइज आ जाएगा एटीन सिक्स हंड्रेड देन नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लॉस लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हर साल होने वाला है क्या आपको हर साल आप फर्नीचर बेचते हो और अंटेनलेस आप एक फर्नीचर के बिजनेस में नहीं हो आप हर साल फर्नीचर नहीं बेचोगे ठीक है तो अगर आपको फर्नीचर पे नुकसान हुआ है तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है इसीलिए क्या हो जाएगा एडबैक हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज

ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स अ लाइबिलिटी वो तब पे ऑफ होगी जब आप प्रिफरेंट शेयर्स को रिडीम कर रहे तो ये इसका कहीं पर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इफेक्ट नहीं आएगा देन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेन आपने इन्वेस्टमेंट बेची और उस पर फ़ायदा हुआ इन्वेस्टमेंट आप हर साल नहीं बेचने वाले इसलिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है आपका प्रॉफिट है इससे आपको पैसा मिला भी होगा तो आप बोलोगे मैम पैसा तो आया ना कैश फ्लो में ऐड तो करो हम करेंगे बट ये किस में करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है इसीलिए ये वाला प्रॉफिट क्या करोगे आप माइनस करोगे तो लेस में आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज ठीक है मैंने आपको सिखाया था एक ट्रिक कि आप क्या करो माइनस वाला जो है वो नेगेटिव में लिखो जो आप सब प्रैक करो ताकि आप कहीं पर भी कैलकुलेशन uh, मिस्टेक्स ना करो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन ये आपकी इनकम है बट सोचो क्या ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है नहीं ये आप बिजनेस को ऑपरेट करके नहीं कमा रहे हो ये आप कहाँ से कमा रहे हो आपने इन्वेस्ट किया वहां से कमा रहे हो तो हम ऐड करेंगे लेकिन हम कहां करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे यहां से हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे सो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट सब हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड ओके अब आप ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड सब प्रैक करोगे अब और कुछ तो मैं देर नहीं रखा फाइन एट दीज ऑल एंड लेट मी नो आप इन सब आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी ओके okay? सो आप सोल्व करें और उसका आंसर आप लिख सकते हैं दैट इज वन लैख थर्टी सेवन सी टोटल जो है आप कहाँ लिखोगे फाइनल लाइन में लिखोगे ओके okay? टोटल आपको यहाँ फाइनल लाइन में लिखना वन लैख थर्टी सेवन फोर हंड्रेड आएगा आपका इसका टोटल ठीक है और अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास आएगा नेगेटिव का 39, अब आपको क्या करना है इस वाले फाइनल अमाउंट में ये ऐड करना है ऐड दिस बोथ एंड सब्रैक्ट दिस तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइव लैख फोर्टी फोर एट हंड्रेड फाइन ये आपके पास आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट Before working capital changes. Ab क्योंकि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना था इसीलिए हमने ऐसे एक्सपेंसेस या तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है या तो हमारे ऑपरेटिंग खर्चे नहीं है वो ऐसे ऐड कर दिए और ऐसे इनकम लेस कर दिए जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है वो मेरे रोज़मर्रा के बिजनेस का पार्ट नहीं है हर साल वो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसे एक्सपेंसिस को ऐड करेंगे और ऐसे इनकम्स को लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये आपका स्टार्टिंग है जब आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट आप पूरा एक लॉन्ग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ये सारे पॉइंट्स करने हैं अभी हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट में सीख रहे हैं ताकि हमें पूरा एक लॉन्ग न्यूमेरिकल साथ में करना ईजी हो जाए आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो uh, so, हम और इसके एग्जाम्पल लेते हुए नेक्स्ट सम पे शिफ्ट करेंगे अगर कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स आई एल बैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स एंड आई वल भी हैप्पी टू हेल्प समवेयर अगर मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कहीं भी कोई भी एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर पाई सो आई एल बी हैप्पी फॉर देट सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स योर डाउट्स सो ना एक और सम ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है ठीक है सो so, इसके बाद मैंने लिया है टी एस ग्रेवाल का सम नंबर थर्टीन uh, इसके बीच जो मैंने सम छोड़े हैं या मैंने नहीं ले रही हूँ वीडियो में वो ऐसे समझे जो आप खुद भी कर सकते हैं अगर मैंने आपको टेन सिखाया तो आप इलेवन ट्वेल्व खुद ट्राई कर सकते हैं uh, वही अगेन आई विल से अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर थर्टीन ठीक है अब देखो इसमें क्या बोला है कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अब हम हमें फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है दैट इज ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ आप सिर्फ यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं अब आपको शुरुआत मैंने आपको क्या बताया था आपको यहां पे शुरुआत कहां से करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम्स बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम्स आपको इससे शुरुआत करनी है अब आप क्वेश्चन में देखो तो आपको क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ठीक है जबकि हमें शुरू करना है हमें शुरू करना है बिफोर टैक्स से सो अगर हमें बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है तो आपको पहले ये वर्किंग नोट में फाइंड करना पड़ेगा देखो आप अगर इसका वर्किंग नोट बनाना चाहते तो आप वर्किंग नोट बनाएं अगर आपको यहाँ से आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है आप आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करके और टैक्स ऐड कर सकते हैं पहले मैं आपको वर्किंग नोट सिखा देती हूँ फिर आपको मैं बता दूंगी कि आपको अगर इसी के अंदर ही करना है तो भी आप कर सकते हो ठीक है प्रेफरेबली आप वर्किंग नोट बनाएं तो ज़्यादा बेटर है ठीक है वर्किंग नोट वन मैं वर्किंग नोट यहाँ पे बाजू में बना रही हूँ आप आपके सम के नीचे बनाए ठीक है वर्किंग नोट हमेशा नीचे होना चाहिए सो so आप अपने एक पेज पे जब आप ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ पेज इस सम के लिए छोड़ के नीचे वर्किंग नोट कर सकते हो ठीक है आप शुरू कहा से करोगे नेट प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में आपके पास क्या है आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम ओके पेमेंट ऑफ डिविडेंड दैट इज टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है आपको दे रखा है। अब हमें हमें तो तो क्या चाहिए? करना तो करना पड़ेगा, भी add back करना पड़ेगा भी और बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम ओके सो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा एड अगर कोई भी एक्स्ट्राडिनरी इनकम है वो आपको लेस करनी पड़ेगी तो क्वेश्चन में आप चेक करोगे सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर टैक्स फोर्टी फाइव थाउजेंड दे रखा है तो वो एड करो प्रोविजन फॉर टैक्स यू हैव टू ऐड फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है मैं यहाँ इंटरनल कॉलम में से ऐड कर रही हूँ फिर आपके पास फाइनल डिविडेंड पेड ठीक है तो फाइनल डिविडेंड तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर भी एड बैक हो जाएगा ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था इसके पास अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो डिविडेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ये आपका एक्स्ट्रा आइटम है इसलिए बैक हो जाएगा दैट इज फिफ्टी थाउजेंड ओके तो फिफ्टी थाउजेंड एड बैक हो जाएगा अब आप चेक कर लो कि क्या आपके पास कोई और एक्स्ट्रा एक्सपेंस है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ ये क्या हो जाएगा ये बिफोर टैक्स के बाद इसके एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे ठीक है गेन ऑन सेल भी हम आफ, इसके बाद करेंगे इनकम टैक्स रिफंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ओके तो ये तो इनकम है इनकम को क्या बताया था मैंने आपको लेस हाँ लेस हो जाएगा ठीक है सब लेस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड बिकॉज दिस इज एक्सट्रा ऑर्डिनरी आइटम दैट इज थर्टी थाउजेंड माइनस का आ जाएगा अब अगर आप इसको ऐड करें तो फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड टेंस टू बी नाइन्टी फाइव थाउजेंड और ये माइनस का आ जाएगा थर्टी थाउजेंड सो टू लैख फिफ्टीन प्लस नाइन्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड विल गिव यू टू लाख एट्टी थाउजेंड अब ये हमारे पास आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड ठीक है डिविडेंड पे करने से और टैक्स के पहले जो है हमारे पास कितना है टू लाख एट्टी जो हमें यहाँ से शुरू करना है तो हम यहाँ से आंसर से शुरू करेंगे टू लाख एट्टी अगर आप ये पूरी वर्किंग ठीक है ये पूरा पार्ट इसके यहाँ अंदर करते हो तो भी गलत नहीं है आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आप उसके बाद ये एडलेस दिखा सकते हो और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड देन उसके बाद सम करोगे नो इश्यूज आप वर्किंग नोट में करो प्रिफरेबली वर्किंग नोट में किया जाता है इसलिए मैंने आपको वर्किंग नोट में करवाया है और यहाँ पे शुरू किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्रॉर्डिनरी आइटम से ठीक है अब आप क्या करोगे इससे पहले वाले सम में जो हमने किया था जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो बैक करोगे और ऐसे कोई इनकम्स है तो वो लेस करोगे आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है तो लेट अस स्टार्ट अब हम इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप देखो सिंपल सी चीज है जो आपको लर्न करनी है पहला स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो आपका पहला स्टेप जो है वो हमेशा आपको क्या फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है ये आपका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा ये आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो वर्किंग नोट बनाकर कर सकते हो सेकेंड स्टेप जो है वो आपको क्या करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फाइंड करना है अब हमने स्टेप वन कल के लेक्चर में ऑलरेडी मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया था आज के में हम कर रहे हैं स्टेप टू ठीक है स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये सब चैप्टर करेंगे इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू डू फाइन सो अब हम कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं वो एडबैक होंगे और कुछ ऐसे इनकम्स जो आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे तो अब आप स्टार्ट करो तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी वर्किंग नोट में कर लिया अभी हमें करने की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ टैक्स से आपका पैसा जरूर जाता है ठीक है वेन यू आर पेइंग द टैक्स तो हमने कितना टैक्स पे किया वो लास्ट में आपका टैक्स पेड सब्ट्रैक्ट होगा फाइन फाइनल डिविडेंड हमने एड बैक कर दिया इससे भी हमारा पैसा जाएगा लेकिन आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा यहाँ पर नहीं आएगा डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश डेप्रिसिएशन जो है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है इससे पैसा नहीं जाता इसलिए क्या हो जाएगा ये एड बैक हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन हम देख लेते कितना है ट्वेंटी तो डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एड बैक हो जाएगा डेप्रिसिएशन उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ठीक है अब लॉस 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 ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आपका का है. Definitely आपका बिजनेस का है है डेफिनेटली बट ये आपके रेगुलर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है इसलिए लेस हो जाएगा ठीक है इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो जाएगा जहां से हमारा पैसा वहां पर डिडक्ट हो जाएगा सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दैट इज मशीनरीउजेंड Then you have patents amortized. मैंने आपको अमोटाइजेशन इससे पहले ऑलरेडी सिखा दिया है दैट इज अगेन नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो पेटेंट्स अमोटाइज जो है वो कितना हो जाएगा थर्टी थाउजेंड देव गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ठीक है तो गेन हुआ क्या ये आपका ऑपरेटिंग इनकम है नहीं आपके ऑपरेटिंग इनकम नहीं है हर साल आपको लैंड सेल बेच, लैंड बेचोगे उससे आपको हर साल फायदा होने वाला है नहीं राइट right? सो so, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसीलिए लेस हो जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज सेवेंटी थाउजेंड ठीक है तो ये नेगेटिव का लिख देंगे हम ठीक है अब इसके बाद आपके पास इनकम टैक्स रिफंड हमने इसमें ऑलरेडी कर लिया है टैक्स में नेट टैक्स के लेकिन इनकम टैक्स रिफ़ंड जो है कहाँ काम आता है आपको टैक्स पेड निकालने के लिए काम आता है तो वो मैं आपको बताऊंगी ये कैलकुलेशन करने के बाद तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर लिए तो लेटेस्ट एड ट्वेंटी फाइव प्लस टेन प्लस थर्टी आपको मिलेगा सिक्सटी फाइव थाउजेंड और ये आपका नेगेटिव का आएगा सेवेंटी थाउजेंड ओके सो टू लैख एक्सटी फाइव थाउजेंड माइनस सेवेंटी थाउजेंड अब यह हमारा सम खत्म नहीं होता अगर आपके पास टैक्स पेड है तो आपको यहाँ पर ये बिल्कुल ना भूलें ठीक है आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि अगर आपके पास टैक्स पेड है तो हमेशा याद में लास्ट में आपको टैक्स पेड माइनस करना ही है क्योंकि टैक्स तो हर साल आप पे करोगे ठीक है तो आपको टैक्स पेड बट याद रखना ये कौन सा टैक्स पेड होगा नेट ठीक है नेट टैक्स पेड कैसे मिलेगा आपके पास प्रोविजन है या पेड माइनस रिफंड इसका क्या कर सकते हो प्रोविजन अगर आपके पास प्रोविजन बना हुआ है दैट मीन्स हमने उतना एज्यूम करेंगे कि हमने उतना पे किया है प्रोविजन माइनस रिफंड या पेड माइनस रिफंड जो कि अगर आपको पेड दे रखा हो और उसमें आपको कोई रिफंड मिला हो तो वो नेट ही आपको यहाँ पर लिखना है अब अब इस समय आपने देखो प्रोविजन रखा था फोर्टी फाइव थाउजेंड का और रिफंडी थाउजेंड का तो आपको नेट कितना आ जाएगा हमने पे कितना किया होगा so, ये में माइनस करोगे बिकॉज इससे आपका पैसा जा रहा है तो टू लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड विल गिव यू टू लैख सिक्सटी थाउजेंड सो दिस विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई होप दिस इज क्लियर टू यू की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग चेंजेस यहाँ पर भी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ही निकला है से सम में सिर्फ इतना डिफरेंस है वहां पर आपको पूछा था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं पूछा है बिकॉज आपको कोई इंफॉर्मेश भी नहीं है वर्किंग कैपिटल क्या है Working capital के बारे में ठीक है 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 क्या क्या होता है? कैसे होता कैसे ये हम next video में में uh, सीखेंगे Till then, यहां तक आप करिए कि आपको क्या करना है? First step में आप, अगर आपको तो हमने first step क्या करा था ठीक तो है अगर हमारा देखा जाए तो हमारा फर्स्ट स्टेप है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग सॉरी बिफोर टैक्स एंड टेक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कई बार आपको जो दे रखा होता है वो सरप्लस का बैलेंस दे रखा होता है बैलेंस शीट में सरप्लस जिसको आपको ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से शुरुआत करनी है ये वीडियो फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी है ठीक है ये फर्स्ट वीडियो में है सेकंड स्टेप जो है अगर हम स्टेप्स की बात करें तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट Before working capital, capital changes. ये आपका सेकंड स्टेप है सम का तो ये हमने वीडियो नंबर टू में किया है जो कि ये करंट वीडियो है ये दो वीडियो से आपको दो स्टेप ऑलरेडी मिल गए हैं काइंडली उसको अच्छे से करें ठीक है uh, कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें एंड देन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फर्दर ऑपरेटिंग मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही थोड़ा लंबा है लेकिन वंस अगर आपने इनको अच्छे से एक एक स्टेप करके किया तो आपको बहुत फुल मार्क्स आएंगे दैट्स माई गारंटी आपको फुल मार्क्स आएंगे आएंगे कैश फ्लो में कहीं पर भी डिडक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है बिकॉज इसके बहुत मिनिमल कंसेप्ट जो आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सिखाए जा रहे हैं इवन बीकॉम लेवल पे अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत मिनिमल पॉइंट्स uh, जो हैं वो आपको थेरेटिकल पार्ट में सिखाए जाते हैं जो कि आप अंडरस्टैंड करके इजीली कर सकते हैं ठीक so like है सो इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स लाइक कैश मार्क्स हैं इसके तो ये वीडियो को ज़रूर देखें एक एक स्मॉल स्मॉल स्टेप करके अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा दिस इज़ जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कुछ पार्ट है अभी फर्दर इसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल uh, देन जो रिमेनिंग सम्स हैं वो ट्राई करें एनसीआर से सम करें कोई और पब्लिकेशन से करें एंड डू लेट मी नो योर डाउट्स एंड आई एल बी हैप्पी टू solve it so i'll be meeting you in next lecture till then keep studying and stay healthy thank you